जी है पूरी 45 रुपीज की होटल की बैक साइड और उसके सामने यहाँ लगाते हैं ये, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हमसे नीचे गिर गई थी तो दोबारा लेके आए। हमारे पास बचे थे 70 रुपए, तो 20 रुपए का आप लेते हैं खाने। 100 रुपए के अंदर ना तो कैसे रोटी का साइज कुछ ऐसा होगा। सारा दिन निकालना है तो बने रहे ब्लॉक के अंदर। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त दविंदर, तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? तो अभी टाइम हो गया 11:38 हो गए हैं। तो आज मेरे साथ मेरा दोस्त विशाल है। क्या हाल है भाई? कैमरे के लिए दोबारा मिल लेते हैं। तो ना आज का ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं कि आप चंडीगढ़ के अंदर ना 100 रुपये में पूरा दिन खा सकते हो, है ना। मतलब कि बजट फ्रेंडली ब्लॉग है ये, कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो ना तो आप ये ब्लॉग देख लेना, आप 100 रुपये में चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ पर खा सकते हो और अच्छा खा सकते हो, तो आपको दिखाएंगे आज के ब्लॉग में, तो बने रहे। गाइस अभी हम थे बोगनविला गार्डन में, ये सेक्टर 2 में पड़ता है और हम यहाँ के लोकल ही हैं। हम रहते हैं सेक्टर 1 में, वहाँ पर कांसल पिंड है तो वहाँ पर रहते हैं हम। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं ना, भाई कहाँ पर रहते हो, तो हम वहाँ रहते हैं। बाकी अभी चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो हम पहली जगह पे पहुंच चुके हैं सेक्टर 16 में। ये मिलते हैं परौंठे, है ना। ये 30 रुपए का परौंठा आपको पीछे दिख रहा होगा। कितनी भीड़ है यहाँ पर, साइड हो जा भाई, बीच में जो आ रहा है। तो दिखाते हैं यहाँ से लेते हैं। पहले तो 30 का ही था, अभी जाके रेट पूछते हैं कि कितने का। तो गाइस ये आ गया, ये 30 रुपए का परौंठा है आलू का। और वहाँ पर और भी बहुत मिलते हैं आपको, गोभी का मिल जाएगा, पनीर का मिल जाएगा, तीनों का मिक्स भी मिल जाएगा। बाकी ये देखो, इसके अंदर मिलेगा आपको चटनी मिल जाएगी, पनीर, ये क्या बोलते हैं, बटर मिल जाएगा और ये परौंठा मिल जाएगा। तो इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या है। तो गाइस टेस्ट तो अच्छा है, एक नंबर है। बाकी तू खा के बता। सही है, बट आना चाहिए यहाँ। वहाँ पर आपको चाय भी मिल जाएगी अगर आपने चाय भी नहीं है। बाकी हम बजट का बता रहे हैं, तो 30 रुपये यहाँ खर्च हो गया हमारे 100 रुपये में से। तो बाकी कितने बचे? 70 रुपये पड़े हैं। अभी सारा दिन निकालना है तो बने रहे ब्लॉक के अंदर। क्या कह रहा था? इनकी चटनी में स्वाद है ना। स्वाद है, एक हमसे नीचे गिर गई थी तो दोबारा लेके आए। सही है। हाँ, पहली बार ही खाए तूने तो? हाँ यहाँ तो पहली बार खाए। मैंने यहाँ पर खाए थे, मतलब कि साल पहले खाए थे यहाँ पर। सही है, वही रेट अभी भी वही चल रहा है ना। साल पहले भी 30 का था, अब भी 30 का ही है। बाकी गोभी वगैरह के मैं रेट यहाँ पर लगा दूंगा उनसे पूछ के। तो गाइज आपको यहाँ पर ना 3 तरीके के परौंठे मिल जाएंगे। एक तो मिलेगा आलू का, एक मिलेगा गोभी का और एक मिलेगा, सब मिक्स है ना। तो जो आलू का है वो 30 का है और जो गोभी का है वो 40 का है, जो मिक्स है वो भी 40 का है। तो लोकेशन है ये देखो, है ना, इस साइड से आपको आना है। ये हॉस्पिटल वाला रोड है, ये रहा हॉस्पिटल, सामने हॉस्पिटल की बैक साइड और उसके सामने यहाँ लगाते हैं ये, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्लेस पे, तो बने रहें। सो गाइस वहाँ से परौंठे आके हम निकल गए हैं और आपको ना, मतलब कि हम लाइव लोकेशन देते रहेंगे गूगल मैप्स की, कि आप वहाँ पर लगा के वहाँ पर सीधा उस लोकेशन पर पहुँच सको। तो अभी टाइम हो गया 12:40 हो गए हैं, तो अभी दोपहर का जब लंच होगा ना, दोपहर का खाना खाएंगे। हम 17 सेक्टर थे अंडरपास पे, तो मिलते हैं आपको आगे। हाँ जी गाइस, तो हम दूसरी जगह पे पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो गया 2:22 हो गए हैं, तो है ना लंच टाइम हो ही गया। तो यहाँ पर ना आपको 20 रुपये के अंदर 6 रोटी प्लस 1000 और एक सब्जी मिलेगी। तो चल के आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हैं हम और लोकेशन भी पूरी बताएँगे। पहले वहाँ से खाना लेते हैं। आपको दिख रही होगी, और हमारे पास बचे थे 70 रुपये, तो 20 रुपये का आप लेते हैं खाने में। बोलते भी है। गाइस पहले ना 10 का होता था, बट अब 20 का हो गया। बाकी चल के दिखाते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। गाइस लोकेशन की बात करें तो ये देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी का गेट दिख रहा है ना आपको, और PGI का मेन गेट है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन गेट उसके सामने यहाँ पर ये लगी होती है वैन। और ये ना काफ़ी जगह पर होती है, मतलब कि रॉक गार्डन भी होती है, सुखना लेक भी होती है, बट वहाँ पर होती है वीकेंड में। तो अगर वीकेंड में आए तो वहाँ पर भी मिल जाएगी, अगर नॉर्मल वीक डेज में आए तो यहाँ पर आपको मिली जाएगी। और ये वैन आपको मैं दिखा दिया है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी आपको खाना दिखाते हैं।
20 रुपए का खाना है ना, तो दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको आलू मटर की सब्जी मिल जाएगी, 6 रोटी मिल जाएगी और उसके अंदर अचार भी मिल जाएगा। तो अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ, वैसे खा रखा है मैंने, सही होता है, फिर भी एक बार सही है। आपका पेट भर जाएगा एक बंदे का, है ना? कैसा है, पहली बार ही खाया कि पहले भी खाया था? खा रखा है ना पहले, तो सही है, आप भी खा सकते हैं। अब इसको फिनिश करते हैं। आलू मटर पहली बार खाए मैंने, ठीक है। हाँ, आलू बढ़िया होती है ज़्यादातर, है ना? तो इसके बाद अब मिलते हैं आपको डिनर पे, है ना, सीधा, या बीच में अगर स्नैक्स वगैरह भी खाया तो बजट बाहर चल जाएगा, बाकी बने रहें। तो गाइस रोटी का साइज कुछ ऐसा होगा, ये देखो। हाँ जी गाइस, तो अब डिनर टाइम हो चुका है, टाइम हो गया है, दिख भी नहीं रहा, 6:30 हो गए हैं। तो डिनर टाइम सबका अलग अलग है, तो अभी हम चल रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। वैसे तो वहाँ पर सब कुछ सस्ता है, बाकी वहाँ पर चल के आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें तो 100 रुपये के अंदर करना था सब कुछ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चलते हैं पहले। जो मेरे साथ मेरा दोस्त था ना, उसने ऑफिस जाना था, तो मैं उसको घर पे छोड़ के आ गया। अब मैं अकेला ही जा रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, बाकी वहाँ चल के बताता हूँ आपको, बने। तो गाइस यूनिवर्सिटी में पहुँच गया हूँ, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पर, और खाली है यूनिवर्सिटी। बाकी चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास बचे हैं अब 50 रुपये, तो हम उसी का यूज़ करेंगे अब, तो बने रहें। तो गाइस ये है पूरी 45 रुपीज़ की, और ये देखो पेंट भी ख़राब हो गई, ऊपर गिर गई थोड़ी सी, तो 5 रुपये बच ही गए हैं। यूनिवर्सिटी में ना सब कुछ चीपेस्ट ही है, तो ये भी आपको 45 रुपये की मिल जाएगी, और टेस्टी भी होता है, इसके अंदर आपको दही भी मिल जाएगी, है ना, बाहर नहीं मिलती। तो इसे फिनिश करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अब डिटेल सारी। धुंध बहुत ज़्यादा डल गई है, देखो पूरा कुछ दिख भी नहीं रहा, और यहाँ से हमने लिया। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको घर पे चल के देंगे, तो बने रहे ब्लॉग के अंदर। जी गाइस, तो मैं आ गया घर, होप करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, है ना। तो ना पूरे 100 रुपये में आप चंडीगढ़ में घूम सकते हो, मतलब खा सकते हो। हाँ मुझे पता है कि ये थोड़े से डिस्टेंस पे है जगह, है ना, जैसे पहले हमें आपको 16 सेक्टर दिखाया, 16 सेक्टर से हम गए पीजीआई गए हम यूनिवर्सिटी। जगहों पे जाने के लिए आपके ना या 10 लगेंगे या 20 रुपए लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। आप चाहते हो कि चंडीगढ़ के टूर की वीडियो बनाऊं कि सारी कौन कौन सी जगह हैं चंडीगढ़ के अंदर घूमने की, तो मैं वो भी बना दूंगा। कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे। तो होप करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं सबको नेक्स्ट ब्लॉग में।